दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेट पुलिस का आमदार जो कौन कौन सा पोस्ट में आपको पर्सनल कार दिया जाती है उनके बारे में आज हम बात करेंगे, और कार को पहचानने के लिए जो स्टार या फिर फ्लैग दिया जाती है उन फ्लैग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सारे कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो में स्टेट पुलिस रैंक और सैलरी के बारे में हम बताया था, और उसमें सैलरी को लेकर बहुत लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे और बहुत सारे क्वेश्चन थे। और आप लोगों के मैं बता देता हूँ, जो सैलरी मैंने बोला था उस टाइम वो लॉकडाउन के पहले का सैलरी था, इसलिए 2020 का सैलरी था, इसलिए जो सैलरी लॉकडाउन के बाद सैलरी यानी कि इंक्रीज हुए, इसलिए आपका सैलरी के साथ मेरा सैलरी मैच नहीं कर रहा है। और ये जो सैलरी है वो स्टेट वाइज होती है, आप कौन सा स्टेट में बिलोंग करती है इसके बारे में डिपेंड करती है, स्टेट वाइज इसका सैलरी भी होती है। और दोस्तों इंडिया में कोविड सिचुएशन आने के बाद ही पुलिस का सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो ठीक है, ओके, आज हम बात करते हैं स्टेट पुलिस का जो पर्सनल कार होती है और कौन कौन सा पोस्ट पे आपको पर्सनल कार दिया जाती है और आप कैसे पहचान पाओगे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ओके, स्टेट पुलिस के अंदर जिसको जिसको पर्सनल कार मिलती है उसके अंदर जो पहले नंबर पर आती है वो DIG का, वहाँ से ही शुरुआत होती है पर्सनल कार मिलना। तो DIG को पहचानने के लिए आपको एक अशोक एम्बलम और 3 स्टार देखने हुए एक बैच मिल जाएगा, और वो IPS कैटेगरी का अंदर होती है। और DIG के फुल फॉर्म होती है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनका जो कार होती है कार में जो झंडा रहती है वो झंडा त्रिकोण यानी कि ट्राई एंगल की तरफ होती है, और उनके नीचे आप देख सकते हो 1 स्टार लगी रहती है, उनके नीचे 1 स्टार लगी रहती है। उसके बाद होती है IG, IG के फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इनको पहचानने के लिए 1 स्टार और तलवार और डांडा का चिन्ह हुआ एक बैच आपको मिल जाएगा। और इनका जो कार होती है उनका कार में जो झंडा रहती है वो एक एंगल की तरफ रहती है, और एंगल में से एक खांच रहती है भी शार्प की तरफ रहती है, और उनके नीचे 2 स्टार लगी रहती है, IG के लिए 2 स्टार लगी रहती है। उसके बाद आती है ADGP, ADGP का फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको पहचानने के लिए एक अशोक एम्बलम और एक डांडा और तलवार का क्रॉस चिन्ह रहती है। और इनका जो कार है उनका कार में जो झंडा रहती है वो झंडा बिल्कुल चतुर्भुज यानी कि स्क्वायर बन जाती है, बिल्कुल स्क्वायर बन जाती है, और उनके नीचे 3 स्टार लगी रहती है। उसके बाद आती है DGP, जो स्टेट पुलिस रैंक का सबसे बड़ा पोस्ट होती है। DGP का फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको पहचानने के लिए एक अशोक एम्बलम और एक तलवार और एक डांडा का क्रॉस चिन्ह रहती है। ADGP और DGP का जो पहचान है बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इनका काम अलग अलग है। और इनका जो पर्सनल कार है वो बिल्कुल ADGP की तरफ होती है, कार में एक झंडा रहती है, उस झंडा बबिल्कुल स्क्वायर की तरफ होती है, और नीचे 3 स्टार लगी रहती है। सो स्टेट पुलिस के अंदर यही 4 पोस्ट पर आपको पर्सनल कार दिया जाती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर ठोकिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू।